के दोस्तों धन्यवाद करते हैं। और किसी कारण अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है रिकॉर्डिंग की, जो कि हम GKGS में कुछ क्वेश्चन लाके देते थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो जाने के कारण नहीं क्लास हो पाई। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने विशाल मीथेन गैस के भंडार पाया है? तो जिसका आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर पाया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ताल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जिसका आंसर है फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर फिर से सुनिएगा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत कहाँ हुई? जिसका आंसर है अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर आठ है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसिट है। क्वेश्चन नंबर नवा है, हाल ही में माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक गौरी खान ने लिखी है, जो कि शाहरुख खान की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर दसवां है, ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ADB के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? जिसका आंसर है समीर कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 13 है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होता है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच होता है? तो जिसका आंसर है इंद्र जो युद्धाभ्यास है भारत और रूस के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मालाबार युद्धाभ्यास भारत और किसके साथ होता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हैंड इन हैंड किसके बीच युद्धाभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नॉर्डिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? तो जिसका आंसर है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकुवेरिन युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? एकुबेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इकाबोग पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है रॉलिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है पारो आनंद। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है सौरभ गोगली। क्वेश्चन नंबर 27 है, माई लाइफ माई मिशन के पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर है बाबा रामदेव।
क्वेश्चन नंबर 28 है, गरिमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो गरिमा योजना ओडिशा सरकार राज्य के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार मिला है? तो जिसका आंसर है द डिसाइपल को। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? जिसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। दोस्तों, इसमें हर क्वेश्चन में फुल पत्ती लगा के रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि जो पुस्तकें हमने बताई हैं, जो युद्धाभ्यास बताया, युद्धाभ्यास से भी एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं, और जो बुकें हमने बताई हैं, इन बुकों से ज़रूर न ज़रूर एक दो क्वेश्चन फंसेगा। और आगे आने वाला भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे कि NTPC, SSC, इन तमाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में फुल पत्ती लगा के रखिएगा और आगे याद भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।